हाई गाइज वेलकम टू ए डूट सो एज यू ऑल नो दैट रिसेंटली सेबी हैज रिलीज द नोटिफिकेशन ऑफ से बी ग्रेड ए लीगल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स दोज हुट टू बिकम अ पार्ट ऑफ से बी एज अ से बी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर बट सिर्फ चाहने से नहीं होगा रदर आपको स्ट्रैटजी चाहिए होगी इफ़ यू हैव अ क्लियर रोड मैप की रिमेनिंग टाइम में हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्लियर कट स्ट्रैटेजी चाहिए क्लियर कट रोड मैप चाहिए अगर वो है देन आपके लिए जर्नी विल बिकम ईजियर

इस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है नए टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बट बींग लॉ ग्रेजुएट यू नो वेरी वेल हाउ टू इंटरप्रेट द लॉज तो वो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं है बट द गुड न्यूज इज दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज गिवन इन द सिलेबस गिवन इन द टॉपिक ऑफ द सिलेबस इन द नोटिफिकेशन यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दर ग्रेजुएशन प्रोग्राम तो आइए डिस्कस करते हैं द सेवेंटी फाइव डेज स्टडी प्लान

अगस्त में एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 2023 में उसका पैटर्न एंड क्योंकि हुआ है, तो कि या नहीं होना चाहिए, लिए वही लेटेस्ट है और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी भी फ्रेम करनी है राइट right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द पैटर्न सो यू नो वेरी वेल टू फेजेस आर देयर इफ आई एक्सक्लूड द इंटरव्यू सो फेज वन में पेपर वन पेपर टू राइट सो पेपर वन पेपर टू में सेम जैसे पहले चलता आ रहा था के लिए यहाँ पे हंड्रेड मार्क्स दिए हुए हैं एंड सिक्सटी मिनट्स ड्यूरेशन रहेगा एंड थर्टी परसेंट वेटेज रहेगा पेपर टू में हंड्रेड मार्क्स फोर्टी मिनट्स एंड फोर्टी परसेंट वेटेज एंड क्यूमुलेटिवली आपको यहां पे फोर्टी परसेंट स्कोर करना है मतलब इफ यू आर स्कोरिंग थर्टी मार्क्स इन पेपर वन फिफ्टी मार्क्स इन पेपर टू तो हो जाएंगे एट्टी मार्क्स और यहाँ पे 200 का 40% परसेंट होता है 80 मार्क्स मतलब आपका फेज वन क्लियर हो जाएगा राइट सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फेज वन फेज टू में इफ आई टॉक अबाउट तो पे पेपर वन में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है हंड्रेड मार्क्स का राइट सिक्सटी मिनट्स ड्यूरेशन है 30% इज द कट ऑफ एंड वन थर्ड इज द वेटेज इफ आई टॉक अबाउट द पेपर टू सो यहाँ पे पैटर्न बीन चेंज लास्ट ईयर तो यहाँ पे 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी देर राइट विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन 60 मिनट एंड देन उसके बाद थ्री डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम पेपर टू टेन मार्क्स ईच जो कि अगेन यहाँ पे सिक्सटी मिनट्स उसके लिए भी मिलेंगे एंड ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ तो यहाँ पे फोर्टी फाइव परसेंट सॉरी फोर्टी परसेंट है बट यहाँ पे फेज टू में कट ऑफ का बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है क्योंकि फेज टू का जो कट ऑफ है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन की कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए प्रोसीड करना है राइट right? तो यहाँ पे अपना बेस्ट देना है फेज टू एंड द इंटरव्यू विल भी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर सेलेक्शन तो यहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है फेज वन तो क्वालिफाइंग है उसको आपने क्वालिफाई कर लिया जो जिसने भी यहाँ पे एट्टी मार्क्स स्कोर कर लिया प्रोवाइडेड की यहाँ पे इंडिविजुअल उन्होंने पेपर वन पेपर टू में कट ऑफ क्लियर किया हुआ है दे ऑल विल बी अपेयरिंग इन द फेज टू लेकिन फेज टू में के बाद इंटरव्यू वही लोग जाएंगे जिनके टॉप में मार्क्स होंगे जैसे सपोज यहाँ पे फाइव वैकेंसीज है तो फिफ्टीन कैंडिडेट्स विल गो फॉर द इंटरव्यू तो टॉप फिफ्टीन कैंडिडेट्स होंगे वही इंटरव्यू के लिए जाएंगे राइट आई होप यू आर गेटिंग इट

सिलेबस ठीक है अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं नाउ गाइस इफ आई टॉक अबाउट द 75 डेज स्टडी प्लान तो किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है सो यू आर नॉट सपोज्ड राइट यू आर नॉट सपोज्ड टू 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 फोकस मच ऑन द फेज राइट रीजन बीइंग की फेज वन इज क्वालिफाइंग नेचर यू जस्ट हैव टू स्कोर 80 मार्क्स जिसमें आपको पेपर वन में थर्टी मार्क्स चाहिए और पेपर टू में फोर्टी मार्क्स चाहिए और इन दोनों का एग्रीगेट आपका एट्टी होना चाहिए राइट सो द थिंग इज की आपको जब पता है कि यू हैव टू स्कोर 40 मार्क्स इन पेपर टू ऑफ फेज वन इसके बाद आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा देन यू आर नॉट सपोज टू पुट टू मच टाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर टू ऑफ फेज वन राइट यही स्ट्रेटेजी है इसीलिए हमारे स्टडी प्लान में वॉट वी विल डू वी विल बी मोर फोकसिंग ऑन द पेपर टू ऑफ फेज टू राइट तो इसीलिए हम यहां पे जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम पहले फेज टू के कॉम्पोनेंट को प्रिपेयर करेंगे क्योंकि वो मेरिट डिसाइड करेगा वहीं से सिलेक्शन इंश्योर होगा फेज वन तो आपको पता है क्वालिफाइंग इन नेचर राइट अगर आपने वहां पे 40 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप आराम से कर लेंगे तो वहां पे लिमिटेड टॉपिक्स भी अगर आपने प्रिपेयर कर लिए फेज वन पेपर टू में तो यू कैन इजली स्कोर फोर्टी मार्क्स राइट बट यहां पर आपको सारे टॉपिक्स फेज टू पेपर टू में बहुत अच्छे तरीके से कवर करने पड़ेंगे दैट इज वाई इन द स्टडी प्लान वी आर स्टार्टिंग विद द पेपर टू ऑफ फेज टू सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाट यू हेव टू डू इनिशियली टू डेज में आपको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ना है बहुत बड़ा एक्ट नहीं है इसीलिए टू डेज है थ्री एंड फोर में आपको क्या करना है सी बी एक्ट पढ़ना है देन डे फाइव और सिक्स में आपको डिपॉजिटरीज एक्ट पढ़ना है राइट right? इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर कि यहाँ पे दो शिफ्ट में हमने डिवाइड किया हुआ मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट राइट वी आर कंसिडिंग दैट यू आर हैविंग सेवन टू एट आवर्स इन अ डे तो उसको आप इक्वली डिवाइड कर लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में राइट देन मॉर्निंग शिफ्ट में आपको क्या करना है इनिशियली मॉर्निंग शिफ्ट में यू हैव टू स्टार्ट विद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट देन डे फाइव और सिक्स में डिपॉजिटरीज एक्ट ठीक है तो इन तीनों ही एक्ट को आपको दो दो दिन डिवोट करने हैं बहुत बड़े एक्ट नहीं है बहुत आराम से हो जाएंगे राइट right? सोर्स क्या होगा बेयर एक्ट यू हैव टू रीड फ्रॉम द बेयर एक्ट जितना ज्यादा आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे उतना ज्यादा जर्नी आपके लिए ईजी हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बेयर एक्ट से ही पिक किए जाते हैं तो रेफरेंस बुक बल्कि भी होती है ठीक है उनको पढ़ने के लिए मत जाइए सेबी एग्जामिनेशन इज नॉट द जुडिशियर एग्जामिनेशन जहां पे बहुत ज्यादा डीप में चीजें आएंगी बहुत ही ऊपर से आती है इंपॉर्टेंट प्रोविजन से आती है इंपॉर्टेंट सेक्शन से आती हैं सो आपको बस वही याद रखना है राइट सो दिस दैट इज दिसन फॉर दीज थ्री एक्ट्स डे सेवन में आपको क्या करना है मॉर्निंग शिफ्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग शिफ्ट अभी राइट डे सेवन में यहाँ पे आपको ये दोनों रूल्स कवर करने हैं बहुत छोटे रूल्स है राइट इफ आई टॉक अबाउट दिस रूल सो फोर पेज का रूल है इफ आई टॉक अबाउट दिस रूल तो 16 पेजेस का रूल है राइट right? तो 16 और प्लस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी पेजेस आप आराम से पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? दो ढाई घंटे तीन घंटे के टाइम में. इज so वाई एक दिन में आपको ये दोनों रूल कवर करने हैं. देन डे एट में मॉर्निंग शिफ्ट में आपको क्या करना है ये वाला जो आपको रेगुलेशन है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन टू थाउजेंड थ्री दिस यू हैव टू कवर ऑन डे एट में तो इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज वी वी आर हैव सेग्रीगेटेड द टॉपिक्स डे वाइज आपको सहूलियत रहे आपको पता रहे कि कितने दिन में क्या टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं राइट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आपको कोई डाउट ना हो आप एक फ्लो में चलते रहे सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एट डेज ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट राइट इवनिंग शिफ्ट में पहले आठ दिन में क्या करेंगे यू विल बी स्टार्टिंग विद द कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है तो आठ दिन में यू विल बी कंप्लीटिंग द कंपनीज एक्ट नॉ अब यहाँ पे यू माइट बी थिंकिंग कंपनीज एक बहुत बल्कि बट गाइज यू आर नॉट सपोज टू रीड रीड ऑल दी चैप्टर्स सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही आपको कवर करने हैं बिकॉज सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं ठीक है तो कंपनीज एक्ट एट डेज में आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है प्रोवाइड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बेयर एक्ट एंड यू आर द मास्टर ऑफ बेयर एक्ट आपसे अच्छा बेयर एक्ट कोई भी नहीं समझ सकता सो रेफरेंस बुक मत रेफर करिए बेयर एक्ट ही रेफर करिए वही हेल्प करेगी आपकी राइट right?

ठीक है तो डे नाइन टेन में टेक ओवर रेगुलशन और उसके बाद डे इलेवन एंड ट्वेल्व में स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशन ये आपको कवर करना है एंड वॉट यू विल डू

टिल डे इलेवन एंड ट्वेल्व मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट देन उसके बाद आई टॉक वो डे थर्टीन में सो डे थर्टीन में पूरा दिन वॉट यू विल रीड यू विल रीड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिपोजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन ट्वेंटी एट्टीन ठीक है लगभग सिक्सटी पेजस का रेगुलेशन है इसको आप पूरे एक दिन में आराम से पढ़ सकते हैं बिकॉज वी आ डिटिंग सेवन टू एट आवर्स ठीक है वहां पर आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको अगर आप एक घंटे में इफ यू आर रीडिंग टेन पेजेज ऑल्सो तो आप आराम से उसको छह घंटे में खत्म कर लेंगे ठीक है सो दैट इज वाई यहां पर एक दिन में आपको यह खत्म करना है देन डे फोर्टीन में यू विल रीड एल एक्ट ट्वेंटी ठीक है पूरे दिन में आपको एल एक्ट पढ़ना है डे फोर्टीन में एंड ऑल्सो एल एक्ट इज नॉट द बल्कि वन छोटा सा एक्ट है दैट इज वाई एक दिन में आपके लिए पॉसिबल है ठीक है तो यहां पर आप देख रहे होंगे वी आर प्रिपेयरिंग द फेज टू पहले हम फेज टू प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम है अभी कि यू कैन इजीली प्रिपेयर फेज वन तो वहां पर नहीं है फोकस हमारा है. फोकस हमारा हमारा है है फेज क्लियर करना नहीं राइट right? तो सबसे पहले अपना जो गोल है उसको क्लियर यू यू आर आर प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एज ग्रेड ए लीगल ऑफिसर नॉट टू क्लियर द फेज वन ओनली राइट सो दैट इज वाई वी हैव स्टार्टेड विद द फेज टू प्रिपरेशन दैन वॉट अबाउट आफ्टर दैट आफ्टर दैट यू विल बी स्टार्टिंग द फेज वन कॉम्पोनेट ठीक है तो यहां पे डे फोर्टीन तक आपने लगभग Component आपने के कर ली पेपर टू के नाउ डे 15 टू विल स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया पढ़ना है इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट में यू विल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच इज अ पार्ट ऑफ पेपर टू फेज टू ऑफ द एग्जामिनेशन गॉट इट देन आफ्टर दैट डे ट्वेंटी से ट्वेंटी में यू बी रीडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देन डे 23 थ्री से ट्वेंटी फोर में सेल ऑफ गुड्स एक्ट देन डे 25, 26 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डे 27, डे 29 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ये जो आठ दिन है स्टार्टिंग फ्रॉम डे 20 से डे 29 सॉरी जो टेन डेज है वॉट यू विल बी रीडिंग इन इवनिंग शिफ्ट एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग है बट इतना लाइटली उसको नहीं लेना है कि हमारा फेज वन क्वालिफाई नहीं हो पाए इसलिए हमें प्रिपरेशन करनी है बट थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना राइट right? क्योंकि आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी इफ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ कॉन्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश इन सेबी एग्जामिनेशन तो काफी इजी रहते हैं क्वेश्चंस यू यू कैन डू इट राइट सो दैट इज व्हाई वी आर डिवोटिंग टेन डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट एंड यू आर नॉट सपोज टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव टू बी वेरी लिमिटेड बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स करने हैं क्योंकि यहां पर आपका जो

थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव यू डूइंग इम्पॉर्टेंट लेटिन टर्म्स एंड मैक्स डे थर्ट सिक्स सेवन ऑफ टॉर्स एंड डे थर्टी डूंगाउसेंड नाइनटीन बहुत बड़े बड़े एक्ट नहीं है बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे एंड द गुड थिंग इज की आपने सारी चीजें पढ़ हुई है ऑलरेडी यू हैव कवर्ड राइट तो आपको कुछ नए नहीं पढ़ने जस्ट है थिंग्स यही इस यही ब्यूटी है इस एग्जामिनेशन की कि बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट आपके पास एक एज है कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है जस्ट हैव टू रिवाइज द थिंग्स राइट और प्रैक्टिस इज द की रिवाइज तो करना है साथ में प्रैक्टिस करना गाइज बिकॉज प्रैक्टिस अगर नहीं है आपकी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा राइट right. क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं दैट इज पॉसिबल विथ प्रैक्टिस ऑनली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर एज वेल सो प्रैक्टिस इज द की राइट सो दिस इज अबाउट द मॉर्निंग शिफ्ट टिल डे थर्टी यहाँ पे टेन डेज हमने रीजनिंग के लिए भी दिए हैं ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम डे थर्टी टू थर्टी नाइन यहां पे रीजनिंग भी आपको टेन डेज में कवर करनी है अगेन द सेम रूल दैट वी हैव है इन द केस ऑफ कॉन वेरी लिमिटेड टॉपिक्स आपको करने हैं राइट यू आर नॉट सपोज टू फोकस हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन पेपर वन सो सेम स्ट्रेटेजी अपलाइज इन केस ऑफ रीजनिंग एज वेल राइट लिमिटेड टॉपिक्स करने ताकि वहां से कुछ ईजी क्वेश्चन आ जाए सो यू कैन डू इन द एग्जामिनेशन देन गाइज डे 40 से 41 यू विल बी डूइंग लिमिटेशन एक्ट डे 42 से 43 यू विल बी डूइंग आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट और यहाँ पे आपको इंग्लिश खत्म करनी है और इंग्लिश में आपको कुछ ग्रामेट ग्रामर्स वगैरह ये सब में नहीं जाना है यू जस्ट हैव टू गिव द मॉक्स यू जस्ट हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी इंग्लिश वाला कॉम्पोनेट जनरली काफी ईजी आता है टॉक ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन राइट तो वहाँ पे आप जीए और इंग्लिश की हेल्प से यू कैन ईजिली क्लियर द कट ऑफ अभी तक का जो ट्रेंड रहा है राइट बट अगेन यहां पर रिस्क मत लीजिए यू हैव टू डू कॉन्ट ऑल्सो रीजनिंग ऑल्सो एटलीस्ट इस लेवल पर करिए कि इजी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो राइट डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए नहीं जाएंगे ईजी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए उसको आप अच्छे से मार्क कर दें ताकि वो सेफ्टी रहे uh, कि हम इस एग्जाम को फेज वन को क्लियर कर रहे हैं एंड वी इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फेज टू ऑफ द एग्जामनेशन राइट देन उसके बाद डे फोर्टी फोर से फोर्टी फाइव में यू विल डी डूइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देन डे फोर्टी सिक्स से फोर्टी नाइन यू डूइंग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और यहाँ पे डे फिफ्टी फोर डे फिफ्टी से फिफ्टी फोर तक यू विल बी डूइंग रिविजन ऑफ ऑल दी टॉपिक्स ऑफ फेज वन पेपर टू ठीक है और यहाँ पे साथ में आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे होंगे Got it. तो यहाँ पे 50 से डे फिफ्टी फोर पांच दिन आपको रिविजन के लिए एक रफ एस्टिमेट लिया गया थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बट वी आर कंसिडरिंग सेवेंटी फाइव डेज है दिन थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं दिन थोड़े से कम भी हो सकते हैं बट ओवरऑल देखा जाए तो सेवेंटी फाइव डेज के समथिंग होंगे so यहाँ पे वो जब आपका फेज वन होने वाला होगा एंड यू हैव टू थिंग्स राइट तो यहाँ पे आपको डे पांच दिन में आपको रिवाइज करना है चीजों को दट इज स्पेसिफिकली फेज वन पेपर टू राइट उसके अलावा फेज टू का मत पड़ेगा अभी और एंड फुलेंथ मार्क्स यू है और इवनिंग शिफ्ट में यू हैव टू रीड जनरल जीए भी कर लिया आपने एंड पेपर टू भी आपका प्रिपेयर हो गया देन इफ आई टॉक अब फेज टू इमीडिएटली आफ्टर द फेज वन ठीक है इमीडिएटली आफ्टर द फेज वन आपको फिर फोकस करना है सिर्फ यहाँ पे फेज टू पर ही देन डे फिफ्टी फाइव से डे फिफ्टी सिक्स में यू हैव टू डू द इंडियन इविडेंस एक्ट इन दॉर्निंग शिफ्ट Right. Then day 57 से 60 में आपको करना है इंडियन पिनल कोड अगेन इन द मॉर्निंग शिफ्ट डे 61 से 65 में यू हैव टू डू द रिविजन ऑफ कॉर्पोरेट लॉस कौन सा जो हमने पहले ही कवर कर लिया था फेज वन होने से पहले हमने कवर कर लिया था उसका आपको रिविजन करना है यहाँ पर एंड यहां पे यू हैव टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इन द इवनिंग शिफ्ट ठीक है इवनिंग शिफ्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करना है कहां से डे फिफ्टी फाइव से लेकर डे सिक्स तक ठीक है तो लगभग आपके पास दस ग्यारह टाइम रहेगा पे आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करेंगे दो तो इसका वेटेज इज वन थर्ड बट यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है आपको अपना बेस्ट देना है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्योंकि भले ही वेटेज वन थर्ड हो लेकिन वन थर्ड मैटर करता है जो हमारे यहाँ पे दो तीन मार्क्स कम पड़ रहे होते हैं तब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ही आपको बचाने के लिए आता है राइट तो यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको लाइटली नहीं लेना इसलिए इसको आराम से हम 10 से 11 दिन में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ठीक है सो यहाँ पे डे 61 से 65 में यू विल बी रिवाइजिंग द थिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉस डे 66 से 70 पांच दिन में यू विल बी रिवाइजिंग द सिक्योरिटीज लॉस जो हमने पहले ही कवर कर लिया था देन डे सेवेंटी से सेवेंटी यू विल डू द रिविजन ऑफ एंटायर फेस टू पेपर टू कॉम्पोनेट एंड यू विल गिव द फुल लेंथ मॉक्स राइट दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड अभी से स्टार्ट करेंगे तो डेट सेवेंटी फाइव तक किस तरीके से आप कर सकते हैं एंड जरूरी नहीं कि आपको ये फॉलो करना इफ यू हैव योर ओन टाइम टेबल देन यू कैन फॉलो देट लेकिन जिनके पास कोई टाइम टेबल नहीं है जो कन्फ्यूज है किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए सो गाइज दिस कैन भी हेल्पफुल फॉर यू ठीक है क्योंकि काफी रिसर्च के बाद यह बनाया गया है यहाँ पर जो टाइम लाइन मैंशन की गई है उसमें वो चीजें कंप्लीट की जा सकती है राइट दट इज वाई आई हैव में तो इफ यू डू नॉट है दिस प्लान दैट कैन भी हेल्पफुल फॉर यू राइट So this is you this is what you have to proceed with respect to

अलॉट जितना ज्यादा आप कर सकते हैं एंड दैट इज वाई फॉर द प्रैक्टिस परपज वी हैव लॉन्च से बी ग्रेड ए लीगल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टेस्ट सीरीज है जहा पे सारे टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलेंगे बनकर मिलेंगे राइट तो यहाँ पे पढ़ना है उसके बाद प्रैक्टिस करना है गाइज एंड प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है टेस्ट सीरीज ही क्यों दूसरे कोर्सेज क्यों नहीं क्योंकि गाइज आई टोल्ड यू एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन की यहाँ पे Being a law graduate, you have टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर ग्रेजुएशन करिकुलम राइट तो आपको यहां पे कुछ नया नहीं, नहीं पढ़ना रादर पढ़नावर यू हैव हैव रेड यू जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स और यहाँ पे प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं तो क्लासेस देखने में या कोई नोट्स पढ़ने में टाइम ना वेस्ट करें बेर एक्ट पढ़े और प्रैक्टिस करें दिस इज द की जितना सिंपल प्रिपरेशन स्ट्रेटी को रखेंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मैं यहां से वीडियो भी देख लेता हूं मैं रेफरेंस बुक्स भी रेफर कर लेता हूँ तो फिर आपके लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा राइट सिंप्लीफाई प्रिपरेशन को इतना ही सिंपल जितना

आउट ऑफ टू हंड्रेड इन इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज द राइटिंग पार्ट राइट तो राइटिंग पार्ट में आपकी कमांड होनी चाहिए और वो कमांड कैसे आएगी प्रैक्टिस करने से आएगी और उसको इवेल्युएट के अपनी गलतियों को समझ कर उन चीजों को सही करने से आएगी राइट सो दैट इज दाई आपको ये चीज पर फोकस करना है एंड ईच एंड एवरी थिंग इज प्रोवाइडेड इन टेस्ट सीरीज क्या क्या फीचर्स है टोल्ड तो यू और कहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको राइट सो वॉट यू कैन डू यू कैन जस्ट विजिट अवर वेबसाइट यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं राइट दिस इज अवर वेबसाइट एडप डॉट डॉट इन यू कैन गो टू द कोर्सेस देन एर यू कैन गो टू सेबी ग्रेड ए लीगल राइट यहां पे जाने के बाद आप सिंपली स्क्रॉल कर सकते हैं एंड हेयर यू कैन सी द टेस्ट सीरीज राइट दिस इज द सेबी ग्रेड ए लीगल टेस्ट सीरीज बोथ फेज वन एज वेल एज फेज टू तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं करंटली वी आर रनिंग 55 फाइव परसेंट ऑफ तो यहाँ पर आप इसको अवेल कर सकते हैं सो वॉट वी आर प्रोवाइडिंग चैप्टर वाइज टेस्ट वी विल प्रोवाइडिंग करंट अफेयर टेस्ट मिलेंगे आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे यू विल गेट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्विज एंड यू विल ऑल्सो गेट द इवैल बाय सुपरमेंटोर्स जो कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट का इवेलुएशन होना बहुत जरूरी राइट right? तभी आपको पता चलेगा किस तरीके से आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे राइट सो दिस इज अवर वेबसाइट तो यहां से आप परचेस कर सकते हैं यू विल गेट द लिंक इन द कोर्स डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल और यहां पर डायरेक्टली भी यू कैन विजिट टू एडूट डॉट को डॉट इन और यहाँ पे आप से बी गेट ए लीगल टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं राइट सो गाइज दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से यू कैन प्रोसीड सो इफ यू डू नॉट हैव एनी प्लान गाइज यू कैन रेफर दिस स्टडी प्लान दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू सो विल मीट अगेन टिल देन हैप्पी लर्निंग